दो ही तरीका हो सकता है ना, कि या तो गुरुजी उठा के दे दें मोक्ष आपको, और या तो गुरुजी के पास आप आने जाने लगो तो धीरे से उठा लो, खींच लो। तो मोक्ष ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई उठा के दे दे और कोई खींच ले, ठीक है ना। मोक्ष एक प्रक्रिया है। जब आप गुरुओं के सान्निध्य का लाभ करेंगे, उठते बैठते तो धीरे धीरे आपकी एक समझ विकसित होने लग जाएगी। वही समझ तो मुक्ति है, ना समझी ही बंधन है और सही समझ ही मुक्ति है। तो वो सत्संग से आएगा। जितना ज़्यादा आप सत्संग करोगे उतना ही आपकी समझ साफ होगी, और समझ साफ हो गई तो काम बन गया। ये जो आए हैं ये पढ़ रहे हैं, गहराई गंभीरता से पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इसमें से मिले, लेकिन शब्दों के जाल में उलझते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये हिसार से चल के यहाँ आए कि उनसे पूछते हैं ज़रा, तो हमसे पूछ रहे हैं। इसी तरह से जब जिनकी समझ कुछ आगे बढ़ चुकी है उनसे आप चर्चा करते हैं तो आपकी समझ भी साफ होती है, और जैसे जैसे समझ साफ होती जाएगी वैसे वैसे मुक्ति आपके पास है। मुक्ति कहीं मिलती नहीं है, मुक्ति मुक्त हैं आप। आपको केवल मैं बंधा हूँ ये भ्रम हटाना है, तो वो भ्रम धीरे धीरे सत्संग से हटता है। इसलिए किसी भी संत का, जो सच्चा संत है, अगर आप उसका सान्निध्य लाभ करेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति आपको मिल जाएगी। नहीं नहीं हाँ बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। आप ऐसा है कि ब्रह्मलोक नाम की एक जगह है, ठीक है। तो ये ब्रह्मलोक क्या है? अभी हमने बताया कि जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है उसको कहीं जाना आना नहीं पड़ता, तो फिर ब्रह्मलोक तो है, वहाँ तो जाना पड़ता है। तो असल में क्या है कि ब्रह्म शब्द दो तरह से बोला जाता है, एक परब्रह्म के लिए और एक अपर ब्रह्म के लिए। अपर ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म। तो जो ब्रह्म है वो कुछ करता नहीं, लेकिन उसी की शक्ति से कुछ होता भी है। तो इसीलिए जो ब्रह्मा है उनको ब्रह्म कहा जाता है, वो कार्य ब्रह्म है। हिरण्यगर्भ उनको वेदों में कहा गया है। तो उनका जो लोक है उसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी की जो लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्मलोक जाते हैं, और जो ब्रह्म की उपासना करते उनका सब लोग उन्हीं का है और कोई लोग उनका नहीं। हाँ तो वही कहा ना, वही बिल्कुल वही बात है कि जो लोग ब्रह्मा के उपासक हैं माने वेद के उपासक हैं वो ब्रह्मलोक तो पर्यंत है, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। तो कहते हैं कि ये है ना सात लोक ऊपर के हैं, उनमें जो सत्य लोक है उससे भी ऊपर ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मलोक तक उनकी गति हो जाती है, लेकिन पुनरावर्तन और जो ना वो पुनरावर्तन करते हैं उनको फिर लौट के आना पड़ता है। इसीलिए ब्रह्मा के लोक भी चले जाओगे सबसे ऊंचे लोक में तब भी तुमको आना पड़ेगा। इसलिए किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं है, अपने लोक को समझ लो बस, ठीक है। शरीर तो छूटेगा ही, मरे तो गए ही। शरीर कहाँ छूटता है मेरी बहन, एक बात समझ लो, ये शरीर छूटता ही नहीं है। शरीर के बारे में नियम ये है कि जैसे इल्ली देखा है आपने, एक ऐसे ऐसे चलने वाला कीड़ा होता है, तो वो जब चलता है तो कभी अगर एक पत्ती पर है और वो पत्ती ख़त्म हो रही है तो क्या करता है कि ऐसे ऐसे देख करके आगे जो दूसरी पत्ती है बीच में गैप है तो पहले आधा शरीर उस पर डाल देता है, जब आधा शरीर उस पर जाता है तब पीछे वाला उठा करके आगे जाता है। जैसे हम हैं, आप हैं, जब चलते हैं तो पहले एक पैर को आगे रख के जमा लेते हैं, जब जम जाता है तब पीछे वाला उठाते हैं, उसके पहले नहीं उठाते। ऐसे ही ये जो जीवात्मा है, जीने की इसको साध है, ये मरना नहीं चाहता, इसलिए जैसे ही एक शरीर छूटने वाला होता है ये दूसरे शरीर की व्यवस्था कर लेता है, ये छूटा और उसमें घुसा, बिना शरीर के रहता ही नहीं है ये। इसीलिए तो भोग भोगने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर भोग भोगने के लिए होता है। भोगायतनम शरीरम, इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच जो विषय हैं उनको भोगने की क्षमता है। आँख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, जीभ है चखने के लिए, नासिका है सूंघने के लिए, त्वचा है छूने के लिए, ये पांच विषय हैं।
इन पांच विषयों को भोगने की इसके अंदर प्रबल इच्छा है, इसलिए एक शरीर छूटते ही दूसरे शरीर में घुस जाता है, बिना शरीर के कभी रहता ही नहीं है, तुरंत तत्काल दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और फिर वहां वही आकार प्रकार धारण कर लेता है। जैसे जैसे ही पीतल को पिघला दो तो पिघलाने के बाद क्या होगा, जैसे ही पिघलेगा तरल हो जाएगा एकदम, लेकिन फिर क्या होगा, किसी न किसी सांचे में डालोगे, जिस सांचे में डालोगे वही हो जाएगा। और अगर मान लो सांचे में नहीं डाला तो जिस कड़ाही में है वो कड़ाही का रूप धारण कर लेगा, तो माने कोई ना कोई रूप धारण कर, जैसे ही ठंडा होगा एक रूप धारण कर लेगा। तो ऐसे ही ये जो जीवात्मा है इसको जीने की बड़ी साध है, जीव जीव जीऊँगा जीऊँगा जीऊँगा, और जीता है शरीर तो शरीर में घुस जाता है। इसलिए हमारे यहाँ बताया है कि जैसे ही ये शरीर छूटता है वैसे ही क्या होता है, इसको एक शरीर मिल जाता है, उसका नाम है प्रेत शरीर, प्रेत बोलते हैं ना। तो 13 दिन का जो हमारे यहाँ 12 दिन का कर्मकांड होता है उसमें प्रेत शरीर होता है। प्रेत शरीर का मतलब है कि ये यमराज के यहाँ जा रहा है, तो जाने के लिए उसको एक शरीर मिला हुआ है। प्र माने प्रकर्ष, इत माने जाना, तो विशेष यात्रा कर रहा है, तो यात्रा करने का शरीर इसको मिल गया, तो प्रेत शरीर में रहेगा। अब फिर यमराज के सामने जाएगा, यमराज उसके कर्म देख करके, उसके बहुत सारे कर्म हैं, एक ही जन्म तो है नहीं, वो सब इकट्ठा हैं, फिर उनमें से कौन कौन से कर्म अभी भोगने के लिए इसको, कुछ उसकी इच्छा देखी जाती है, कुछ यमराज स्वयं कह देते हैं कि नहीं नहीं ये भोगना पड़ेगा, तो वो सब तय हो करके फिर एक शरीर उसको मिल जाता है, फिर उस शरीर में चला जाएगा, प्रेत शरीर छूटेगा उस शरीर में चला जाएगा, बिना शरीर के रहता नहीं। बिना शरीर के कब रहेगा, जब इसको ज्ञान हो जाएगा, जब ये मान जाएगा कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ही व्यापक है, जैसे ही ये जाना वैसे ही इसका शरीर छूटा, अन्यथा मरने से शरीर नहीं छूटता, शरीर छूटता है ज्ञान से। शरीर के प्रति मेरी जो आसक्ति है वो जिस समय छूट गई उसी समय मेरा शरीर छूट गया, अब है नहीं है क्या फर्क पड़ता है। तो शरीर के प्रति मेरा जो अपनत्व का भाव है वो छूटना चाहिए, वो जिस दिन छूटेगा उसी दिन आप मुक्त हो गए, फिर शरीर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं, अन्यथा शरीर तो रहेगा, एक शरीर छोड़ते ही दूसरा शरीर छोड़ते ही तीसरा शरीर, ऐसे 84 लाख योनियों में भ्रमण होता रहता है, एक क्षण भी ऐसा नहीं आता जब हमको शरीर ना, ज्ञान के बना, ज्ञान हो जाएगा तो शरीर छूट जाएगा। ऐसा है कि अकेले किसी किसी का जो मन है कमजोर होता है, तो कमजोर मन के ऊपर कोई भी अपना प्रभाव डाल देता है। तो बच्चा है अभी, हो सकता है युवावस्था होगी जिस तरह की बात लिखी थी, तो अकेले रहने पर प्रवृत्तियाँ जाग जाती हैं, तो हमने इसीलिए उसको कह दिया कि लोगों के बीच में रहो, तो जब लोगों के बीच में रहेगा तो इस तरह की प्रवृत्ति जागेगी नहीं, तो उसकी बचत हो जाएगी। ये था भक्ति करने से क्या हम इनसे नहीं बच सकते? बात यह है कि भक्ति करने से जो आपकी मन की प्रवृत्ति है वो प्रभाव भक्ति के ऊपर डाल देगी, नहीं समझे आप, तो वो क्या करेगा कि राधा राधा कहेगा, राधे कृष्ण कहेगा और सांसारिक अर्थ लगा लेगा। बहुत से लोग लगा चुके हैं कि जब कृष्ण राधा से प्यार कर सकते हैं तो हम किसी से क्यों नहीं कर सकते। अब लो साहब, अब कृष्ण राधा के प्यार का अपने लिए उपयोग कर रहा है, ऐसा अर्थ लगा लिया और लगा करके उसी में बढ़ता जा, अब सोचता है कि मैं तो बड़ा भक्त हूँ, मैं तो भगवान के अनुसार कर रहा हूँ, ये है, तो ये नहीं करना। इसलिए अपने से बड़ों के, अपने से समझदार लोगों के बीच में रहने की उसको ज़रूरत है।